नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से द फिल्मी तालीम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 साउथ इंडियन मूवी के बारे में। नंबर 10 पे है PS2। हालांकि PS1 मूवी जो है 30 सितंबर 2022 ईस्वी को रिलीज हो गई थी और ये मूवी काफ़ी लोगों को पसंद आए कि मुख्य रोल में नज़र आए विक्रम के साथ साथ ऐश्वर्या राय बच्चन, कीर्ति हसन, ये सब मुख्य रोल में नज़र आए थे। और इस मूवी की बजट की अगर बात करें तो 500 करोड़ की मूवी की बजट थी और ये अभी तक ये मूवी 500 करोड़ छाप पाई है। और ये एक्शन ड्रामा फिल्म थी और इस मूवी के डायरेक्टर मनीष रतन थे। सेम वही दोस्तों, PS का दूसरा पार्ट भी 2023 में रिलीज किया जाएगा और ये भी मूवी एक हाई बजट में बनाई जा रही है। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं मनीष रतन और इस मूवी के मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं। इसी साल 2023 ईस्वी में रिलीज किया जाएगा। 9 नंबर पे जो मूवी है वो है सलार। ये एक तेलुगु भाषा की फिल्म है। ये एक एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है जो तेलुगु भाषा की है और इस मूवी के मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं प्रभास, पृथ्वीराज, सुकुमारन और सुरती हसन। ये सब मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं और ये मूवी 2023 ईस्वी को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये मूवी भी बिल्कुल हाई बजट में बना रही है, यानी कि 200 करोड़ की बजट में ये मूवी बनाई जा रही है और ये मूवी 30 सितंबर 2023 ईस्वी को रिलीज किया जाएगा। नंबर 8 पे जो मूवी है जेलर। दोस्तों पता ही है, रजनीकांत की ये मूवी है और इसमें रजनीकांत होंगे और रजनीकांत को लोग हर जगह सर्च करते हैं। रजनीकांत के लोग काफ़ी ज़्यादा फैन हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं नील सोन दिलीप कुमार। दोस्तों एक्टर की बात किया जाए तो इस मूवी में रजनीकांत, ऐश्वर्या राय, रामकृष्ण तेलुगु भाषा के एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है और ये मूवी भी हाई बजट में बनाई जा रही है। 2023 ईस्वी में ये मूवी को भी रिलीज किया जाएगा। कई वचन सागर नाल प्रोजेक्ट के प्रभास की ये फिल्म है और आपको पता ही है प्रभास एक नई अवतार में नज़र आने वाले हैं इस मूवी में। और प्रभास के साथ साथ इस मूवी में दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर यानी कि अमिताभ बच्चन भी इस मूवी के मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं और ये भी एक एक्शन ड्रामा थ्रिल फिल्म होने वाली है। और ये मूवी 18 अक्टूबर 2023 ईस्वी को रिलीज किया जाएगा और ये मूवी की बजट की अगर बात करें तो ये मूवी की बजट 500 करोड़ की बजट की मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर और तुम क्री यानी कि है पुष्पा मूवी। पुष्पा मूवी भी काफ़ी धमाल मचाया था। इस मूवी में मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं और यह भी एक एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है। और इस मूवी की भी बजट हाई बजट की मूवी है और यह मूवी 2023 ईस्वी को रिलीज कर दिया जाएगा। 5वां नंबर पे है इंडिया 2। कमल हसन के मूवी इंडिया 2 भी कमाल करने वाली है और यह एक भी एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं शंकर कुमार और इस मूवी के एक्टर की अगर बात करें मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं सुकुमार, राहुल प्रीत सिंह और काजल अग्रवाल और पृथ्वी भवानी मेन रोल में नज़र आने वाले हैं और ये मूवी भी 2023 ईस्वी को रिलीज कर दिया जाएगा और ये मूवी बिल्कुल हाई बजट पे भी बन रही है। 4वें नंबर की जो मूवी है उसका नाम है अधीरा। इस मूवी के डायरेक्टर है प्रशांत कुमार। एक एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है जो तेलुगु भाषा की है और ये मूवी 500 करोड़ की बजट की मूवी है
और इस मूवी को 2030 ईस्वी को रिलीज किया जाएगा। कैप्टन मी ये पैन इंडिया की आगामी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अरुण मथुसर है और इस मूवी के मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं धनुष और संदीप कुमार मेन रोल में नज़र आएंगे और ये मूवी हाई बजट में बन रही है और ये मूवी हिंदी तमिल तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। और ये मूवी के बजट की अगर बात करें तो 50 करोड़ मूवी की बजट की मूवी है और ये मूवी 2023 ईस्वी को रिलीज किया जाए। दूसरी फिल्म है यास 19। ये फिल्म के लोग काफ़ी फैन हैं और इस फिल्म को हर जगह पे सर्च किया जा रहा है, जैसे KGF चैप्टर 2 के देख रहा था और इस मूवी में पता चला है कि KGF चैप्टर 2 का रीमेक है। और ये मूवी भी इस मूवी के डायरेक्टर नतरान है और ये मूवी 100 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है और ये मूवी इसी साल 2023 ईस्वी को रिलीज किया जाएगा और ये मूवी हिंदी तमिल तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी। नंबर वन पे है कब्जा। पैन इंडिया की सबसे बड़ी मूवी इस मूवी को कहा जा रहा है। ये मूवी हिंदी तमिल तेलुगु मराठी भाषा में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी के डायरेक्टर हैं आर चंद्रूकर और अगर एक्टर की बात सूर्य सरन और सुदीप मेन रोल में नज़र आएंगे। इस मूवी की बजट की अगर बात करें तो 150 करोड़ की मूवी की बजट है और ये मूवी 2023 ईस्वी को रिलीज किया जाएगा। ये रही मेरी आज की जानकारी। यदि मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हुए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए।